टीवी पे आने वाले ऐतिहासिक शो पेशवा बाजीराव में आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि राव नशे में पहुंचेंगे शाहू जी महाराज के दरबार में। शाहू जी महाराज सहित दरबार में उपस्थित सभी लोग बाजीराव को लड़खड़ाता हुआ देख चौंक जाते हैं। और फिर क्या था, गंगाधर और पंत को मिल जाता है एक और मौका बाजीराव की निंदा करने का। वो बाजीराव से कहते हैं कि मदिरा पान का सेवन करके उन्होंने शाहू जी महाराज का दरबार खंडित कर दिया है। पर क्या सच में राव ने मदिरा पान का सेवन किया है? बिल्कुल नहीं। भला बाजीराव जैसे बुद्धिमान योद्धा शाहू जी महाराज के दरबार में नशे की हालत में क्यों पहुंचेंगे? ये तो गंगाधर जी की चाल थी। जैसा कि आप जानते हैं, गंगाधर ने मंदाकिनी नामक स्त्री को भेजा था बाजीराव को मूर्छित करने हेतु, ताकि राव दरबार तक ना पहुंच पाए। राव की ये हालत उसी सुई ने की है जो गंगाधर ने मंदाकिनी को दी थी। नशे की हालत में ही सही, लेकिन राव पहुंच गए हैं शाहू जी के दरबार में। अब राव की इस हालत के पीछे का सच कैसे सबके सामने आएगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।